नाम खराब है। आप पे आरोप लगा है 5 करोड़ रुपए लेने का चुनाव में टिकट देने का एवज में, क्या कहेंगे? देखिए, एनी टॉम डिक हैरी मुकदमा केस करता है तो इस पे हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं, लेकिन आपको इतना जरूर जानकारी ले लेना चाहिए उन महापुरुष से कि वो आखिर 5 करोड़ रुपए लाए कहाँ से, पहले जाके ये तो पता कीजिए। और कानून अपना काम करेगा और हम तो चाहेंगे कि ईमानदारी से जांच हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर झूठा आरोप लगाया गया प्रमाणित होता है तो जिसने आरोप लगाया है उस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए चलिए, अरे भाई आपको चुनाव के समय याद नहीं है मेरे पे मर्डर का भी मुकदमा हुआ, तो कोई भी जो है, अब हम तो सुनने में आए ये तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और पिछले बार के बिहार के मुख्यमंत्री के क्या कैंडिडेट भी। चलिए चलिए, इम्पोर्टेंट सवाल, ललन सिंह ने कहा कि 15 साल के राबड़ी लालू के शासन काल में 53,000 टीचर को नौकरी दी गई जबकि दूसरी सरकार में 3 लाख लोग नौकरी। ये बताएं, परमानेंट नौकरी लालू जी के समय राबड़ी जी के समय मिला, ये लोग जो नौकरी दे क्या परमानेंट है? नियोजित शिक्षक वाला जो उन लोगों ने स्कीम चालू किया था, पहले आओ डिग्री पाओ, आज तो उनको इन लोगों ने दरकिनार कर दिया, लेकिन क्या उनकी नौकरी परमानेंट रही? पक्की नौकरी कितने दिए हैं बताओ? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि अगर हम पे आरोप लगाया है तो प्रशासन अपना काम करेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान जो है उन पर जो है मर्डर का भी केस किया गया था, लेकिन उनका कहना है कि आरोप लगाने से नहीं, अगर आरोप अगर सिद्ध होता है तो वो उसमें प्रशासन अपना काम करेगी। और ये तस्वीर जो है देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पहुँचे हैं राजधानी पटना,